यूपी के उन्नाव जिले से अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक गांव मक्खियों के आतंक से परेशान है। इसके चलते गांव के लड़कों से कोई अपनी बेटी की शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है। जिनकी शादी हो भी गई है वो गांव में रहने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, रिश्तेदार गांव में आने से कतराते हैं। हाल ये है कि मक्खियों के आतंक के चलते गांव वाले न तो सही से कुछ खा सकते हैं और न तो सो सकते हैं। जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो हजारों की तादाद में मक्खियां खाने पर बैठ जाती हैं। इसके चलते बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि कई बार शिकायत किए जाने पर भी अभी तक किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है। ये मामला जिले के नवाबगंज विकास खंड के रुद्वारा गांव का है। मक्खियों के आतंक से यहां की स्थिति बहुत बदतर हो गई है। गांव वालों का कहना है कि जब से गांव में पोल्ट्री फार्म खुला है तब से गंदगी व बदबू के कारण मक्खियां आ गई हैं। इसके चलते जीना दुश्वार हो गया है। लगभग 5,000 की आबादी वाले गांव के लोग इतना डरे हुए हैं कि खाना पानी भी मच्छरदानी के अंदर बैठ के ही करते हैं। गांव की महिलाओं ने बताया कि अब तक तो गांव में लोग रिश्ता करने के लिए भी तैयार नहीं है। जिनकी शादी हो चुकी है वो यहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं है। मक्खियों के डर से रिश्तेदार आने से कतराते हैं। खाना बनाने के लिए काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है।